तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लेनो का सिग्मा वेरिएंट, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और आज हम बताएंगे आपको कि कंपनी इसके साथ क्या-क्या ऑफर करती है। दोस्तों, सामने आप देख पा रहे हैं हेडलैम्प, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलते हैं, और साथ में फॉग लाइट जो कि कस्टमर ने बाहर से लगवाई हुई है। और दोस्तों, जो ये आप एक्सेसरीज देख रहे हैं, तो ये भी कस्टमर ने बाहर से लगवा रखी है, जो कि गाड़ी की लुक को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर रहा है और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इस गाड़ी के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्विफ्ट से बेहतरीन गाड़ी साबित हो सकती है। अगर आप स्विफ्ट के लिए जा रहे हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए भी जा सकते हो, जो कि एक अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए। तो भाई, इसमें मिलती है कुछ ऐसी ग्रिल आपको सामने से, और ये मारुति का लोगो, और जो आप क्रोम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कस्टमर ने एज ए एक्सेसरीज लगवाई हुई है बाहर से। तो भाई, इसमें ये कुछ पार्ट्स हैं जो एक्सेसरीज में एक्सटर्नल लगे हुए हैं गाड़ी पे, जैसे कि वो फॉग लैंप के पास आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इसमें जो क्रोम का काम है ये सब बाहर से किया हुआ है, कंपनी से आपको सिर्फ गाड़ी ऑफर की जाती है। इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ बाहर से लगवाया हुआ है कस्टमर ने। तो ये कुछ इसके अंदर की लुक्स है दोस्तों, और ये इसकी कुछ MID है। तो इसमें दोस्तों आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है कंपनी से, आप बाहर से लगवा सकते हैं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें AC ऑटो ऑटो में मिलता है, मतलब ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है आपको। तो दोस्तों, ये AC का कुछ कंसोल देखने को मिल सकता है, इस पे सभी बटन्स मतलब अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। और बात कर लेते हैं इसके और फीचर्स की। तो दोस्तों, इसमें आपको हैंडल में कोई भी कंट्रोल नहीं मिलने वाला, और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। जैसे आप ट्रैफिक में कहीं रुके हुए हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप क्लच को प्रेस करेंगे तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये इसका कुछ डोर पैनल है, स्पेस आप देख सकते हो, इसमें एक बोतल आराम से रख सकते हैं, और ये कुछ ब्लूइश सा प्लास्टिक एलिमेंट दिया हुआ है। तो भाइयों, अब चलते हैं पीछे की तरफ और दिखाते हैं आपको कि इसमें कैसा कुछ है। आपको लेग रूम मिलता है और हेड रूम मिलता है। तो दोस्तों, इसमें हेड रूम की बात करें तो मेरी हाइट दोस्तों 5 फुट 4 इंच है, तो इसमें हेड रूम मेरे हिसाब से तो स्विफ्ट से मतलब 19-20 ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब लेग स्पेस मिल रहा है सीटों के बीच में, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। गाड़ी में स्पेस की आपको कोई कमी नहीं रहने वाली, स्पेस भर भर के मिलता है आपको। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बैक साइड की। जो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ये एक्सेसरीज जो आप क्रोम देख रहे हैं, ये कस्टमर ने बाहर से लगवाई हुई है, और कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलने वाली है। और अगर आप कंपनी से कैमरा लगवाते हो तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको ऊपर ही मिलेगी डिग्गी में। तो दोस्तों, ये कुछ पीछे का लुक है गाड़ी का। तो दोस्तों, पीछे के लुक की बात करें तो आपको ये स्विफ्ट से थोड़ी बल्की लगेगी गाड़ी, और इसकी जो चौड़ाई है वो स्विफ्ट से थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। और गाड़ी दिखने में दोस्तों, दिखने में तो कोई कमी नहीं है, सेफ्टी के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो स्पॉइलर आपको कंपनी से इंस्टॉल्ड मिलेगा इसमें, जो कि आता ही है। और कस्टमर ने इसमें बाहर से ये डोर वाइजर भी लगवा रखे हैं, और इसमें ऐसा कुछ आपको एंटीना भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ साइड लुक है गाड़ी की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में आपको 15 इंच के स्टील रिम्स देखने को मिलेंगे, जो कि सिल्वर कलर में ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, जो कि 1197 cc का इंजन है अपना, जो कि ये 88 BHP की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पे, और इसमें 113 Nm का टॉर्क मिलेगा 4400 RPM पे। और दोस्तों, इसकी माइलेज की बात करें तो गाड़ी की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 22.35 किलोमीटर, जो कि अच्छी खासी एवरेज देखने को मिल सकती है। और कस्टमर ने इसमें दोस्तों हेडलाइट में भी LED लगवा रखी है, जिसकी कॉस्ट हमें 5000
बताई गई कस्टमर के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आपने स्विफ्ट में देखा होगा इंजन के और जो ये बम्पर है गाड़ी का, इसके बीच में बहुत सारा गैप देखने को मिलता था, तो पर इस गाड़ी में अभी ऐसा कुछ नहीं है, गैप बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया, मतलब बहुत ही कम कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से गाड़ी अब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन सकती है उन लोगों के लिए जो स्विफ्ट में और इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप इस गाड़ी की तरफ बेझिझक जा सकते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेफ्टी तो स्विफ्ट में भी ऐसी मिल रही है और इसमें भी ऐसी है, तो सेफ्टी का कंसर्न तो आपको देखो रहेगा ही, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करते हैं इनमें से, हमारा काम था आपको बताना। तो चलिए अब इसके बोनट को कर देते हैं बंद। तो दोस्तों मैं इसके बूट स्पेस के बारे में बताना तो भूल ही गया, तो चलिए इसके बूट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो वो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कस्टमर ने इसमें बेस ट्यूब भी लगवा रखी है, जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट देखो आप अच्छे से रखी हुई है, और फिर भी मतलब अच्छा खासा बूट स्पेस है गाड़ी में। तो दोस्तों ये इसका कुछ बूट स्पेस है आपको, और इसके जो स्पेयर टायर है वो इसके नीचे है जो और गाड़ी में देखने को मिलता है। दोस्तों एक चीज़ और इसमें इलेक्ट्रिक बूट स्पेस में देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे आप यहाँ इसमें पकड़ने की जगह दे रखी, इसको आप पकड़ के नीचे इसको बंद करेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट फील होगा, और अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आप इसको आराम से बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी खरीदते टाइम सभी भाइयों का कंसर्न रहता है कि इसमें सेफ्टी कितनी मिलेगी आपको। तो दोस्तों सेफ्टी के नाम पर इसमें आपको 2 एयरबैग मिल जाएंगे, एक ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए। साथ ही में दोस्तों आपको ABS, EBD और ESP जैसे फीचर देखने को मिलेंगे, और इसमें और स्पीड वार्निंग भी देखने को मिलेगी जो आपको लगभग हर गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों जिस भाई की गाड़ी थी हमने उससे एवरेज की भी पूछी कि भाई कितने की एवरेज दे रही है, तो आप जैसा कि MID में देख सकते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं इस गाड़ी की एवरेज कितनी है, फिलहाल कितनी एवरेज दे रही है। देखो दोस्तों इसमें 9.1 की एवरेज दिखा रही है गाड़ी, पर हमने इससे मतलब इतनी कम एवरेज का रीज़न पूछा तो कस्टमर ने बताया कि भाई मेरी गाड़ी चलती कम है, और जैसे आप नोटिस करते होंगे कि आप जैसे कहीं रुक जाते हैं गाड़ी खड़ी रहती है, ऐसी चलता रहता है, तो उसमें एवरेज का आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो यही वजह कस्टमर ने बताई हमें कि भाई मेरी गाड़ी खड़ी रहती है ज़्यादा, मतलब AC का ज़्यादा मज़ा ले रहा है कस्टमर, कहने की बात ये है साफ, तो इसलिए आपको गाड़ी की एवरेज कम देखने को मिल रही है। दोस्तों वैसे गाड़ी नॉर्मली आपको आराम से 18-19 की एवरेज निकाल के देगी पेट्रोल में, जो कि अच्छा प्लस पॉइंट है। तो आपको तो दोस्तों ये थी आज की कुछ वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक लाइक आपका बहुत मोटिवेट करता है हमें। और दोस्तों ये अपनी फर्स्ट वीडियो थी साउंड के साथ में, हम अच्छा आगे इम्प्रूवमेंट भी करेंगे अपनी आवाज़ में और इसमें वीडियो में क्वालिटी में। और प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 6,66,000 रुपये, जो कि बेस्ट प्राइस है। तो दोस्तों वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।